आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया 3/4 तो ये हुआ, यू की पावर 5 चल रहा है, ये कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। माइनस 3/4 ये हुआ, यू की पावर 5, इसका स्क्वायर खोल रहा भाई मैंने, जैसे मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा ये निकल करके आएगा 4/u की पावर 4, 4/u की पावर 4 होगा। अगले वाला स्टेप होगा माइनस के 2ab, 2 × a × b का मतलब होगा 4a² + b² बटे कितना होगा, अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा, और माई प्लस कितना होगा, प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, प्लस कितना होगा मेरे पास, a² + b² का कंप्लीट स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है ना, जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा प्लस कितना निकल करके आएगा, ये मेरे ख्याल से तो 2u निकलेगा, ये हो जाएगा 2u माइनस, जब मैं इसकी गुणा अंदर करूँगा ये निकल करके आएगा a² + b² a² + b² × u की पावर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है ना, अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास नया स्टेप निकल करके आएगा ये d2u/d θ² इज इक्वल टू होगा 3/4 u की पावर 5 a² - b² का कंप्लीट स्क्वायर माइनस, ज़रा इसकी गुणा करो अंदर, जब मैं अंदर गुणा करूँगा 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, पावर ख़त्म हो जाएगी, मेरे ख्याल से तो माइनस के 3u निकलेगा। गुणा करके देखो आप, इस 4 से 4 कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल, 3 और u बचा, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा 4 से फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के, जब इसकी गुणा इसके साथ करी 4 से 4 कैंसिल, 3 निकला, u की पावर 3 निकला, 2 पावर कैंसिल होगी, a² + b² निकला, a² + b² जब अगले वाले स्टेप के अंदर गुणा करूँगा मैं, ये माइनस है ये प्लस है, ये तो बहुत बड़ा निकल करके आएगा, माइनस के 3/4 होगा, u की पावर 5 होगा, और a² + b² का कंप्लीट स्क्वायर, a² + b² का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस के कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 2u, ये एज इट इज है, माइनस के a² + b² × u की पावर 3, कोई आपत्ति नहीं। आगे की तरफ चलते हैं, अब समझने की कोशिश करना भाई आप, मैं u की पावर 5 कॉमन लूँगा जहाँ जहाँ भी है। देखो आप, एक तो u की पावर 5 वाला स्टेप ये है, एक u की पावर 5 वाला स्टेप ये है, मैंने दोनों में से कॉमन लिया, इधर निकला मेरे पास d2u/, पहले एक बार इसको रिसेट कर दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सही चलता रहे। अब देखो आप, d2u/d θ² इज इक्वल टू, इन दोनों स्टेप के अंदर से 3/4 कॉमन आ रहा है, u की पावर 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचा भाई, a² - b² का स्क्वायर, और माइनस a² + b² का स्क्वायर, माइनस a² + b² का स्क्वायर, ये स्टेप तो ख़त्म। आगे की तरफ चलते हैं, माइनस के 3u है प्लस के 2u है, ओके, माइनस का यू बच जाएगा, पहले इसे देख लो, u की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, या एक काम करो, जो स्टेप ये है वो स्टेप ये है, सेम है दोनों के दोनों। देखो आप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम, कितना बचा है, 2 बचेगा ना, प्लस के 2 यू की, एक घट जाएगा ना इसमें से, u की पावर 3 दोनों स्टेप सेम, 2u की पावर 3 बचेगा, और a² + b² बचेगा, बच गया, और माइनस के 3u + 2u माइनस का यू बचा। क्लियर है ना, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है भाई। ये हुआ d2u/d θ² इज इक्वल टू 3/4 तो ये है ही, u की पावर 5
इसका स्क्वायर खोला, ये निकला पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस दो गुणा पहला गुणा दूसरा, माइनस पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर प्लस माइनस दो गुणा पहला गुणा दूसरा, यही तो निकला ना स्क्वायर खोलने के बाद। प्लस दो यू की पावर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के यू, क्लियर है ना। यहाँ से देखो भैया क्या निकला, पहले ये वाला स्टेप लिखो आप, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। सबसे पहले यहाँ से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये जो भी होगा इसको मैंने लिखा डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाला स्टेप लिखा दो यू की पावर थ्री, वहाँ भी दो यू की पावर थ्री ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस इसको देखो बेटा, दो ये है दो ये है, चार हो जाएगा ना माइनस के साथ, माइनस तीन बटे चार ये हुआ, यू की पावर फाइव ये हुआ, गुणा चार हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस के कितना हुआ यू हुआ, इस चार से चार कैंसिल, क्लियर है ना। डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू निकल करके आया दो यू की पावर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो यू की पावर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के तीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू की पावर फाइव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू की पावर कितना फाइव माइनस के कितना यू, ओके। अब आगे की तरफ चलते हैं, मेरे को निकालना है फोर्स। आप एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, मेरे को फोर्स सिद्ध करना है, मेरे को इस कर्व के लिए जो है ना फोर्स निकालना है। मैंने यहाँ बता भी रखा है कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स, पी कैलकुलेट करना है, ओके, या पी बराबर ये सिद्ध करना है आपको। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है वी नो दैट फार्मूला ये होता है पी बटे एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ से मैंने पी की वैल्यू निकाल ली, पी बराबर होगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर और यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, वैल्यू डालूँगा रिजल्ट निकालूँगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टू यू ओवर, पुटिंग किसकी वैल्यू डाली मैंने, डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इन, इसको मान लो आप जेड, इन जेड इक्वेशन, जेड के अंदर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू डालने पर, तो पी इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, देखते हैं अभी। अरे रुको यार एक मिनट के लिए, डिस्टर्ब चल रहा है मामला सारा, उल्टा सीधा चल रहा है ये, अरे चाहिए हो जा रहे बड़वा साला, ठीक है। पी इज इक्वल टू जो निकल करके आया कितना निकला बेटा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, क्लियर है ना, यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा की वैल्यू आपके सामने है, यू प्लस U प्लस दो U की पावर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू की पावर फाइव माइनस के कितना U, U से U कैंसिल। आगे की तरफ चल लेते हैं भाई, देखता हूँ क्या आता है। P बराबर एच स्क्वायर, ओके
यू की पावर 3, यू की पावर 5, ओके, यू की पावर 5 कॉमन ले लो यहाँ से, यू की पावर 5 कॉमन, यू स्क्वायर इंटू यू की पावर 5 कॉमन, कितना निकला ये, 2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, क्लियर है ना, माइनस के 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बट यू इज इक्वल टू कितना, 1/r, तो ये कितना निकल गया भाई, पी इज इक्वल टू वाई एच स्क्वायर यू की पावर 7, ये हुआ 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको भी आर में कन्वर्ट कर दो, तो पी इज इक्वल टू हुआ एच स्क्वायर इंटू आर की पावर माइनस 7 हो जाएगी, ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस के 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है ना। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ही, अभी मिल जाएगा। हाँ ये देखो बेटा, आपको सिद्ध करना था एच स्क्वायर, मैच करा दूँ, आपको सिद्ध करना था एच स्क्वायर आर की पावर 5, एच स्क्वायर आर की पावर 5, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।